गुड मॉर्निंग फ्रेंड, नमस्ते। रसायन विज्ञान में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पिष्टीय रसायन, जिसमें कल आपको बताए थे अवक्षेपण और रक्षण, स्कंदन और रक्षण। आज हम एक पॉइंट नया लिख रहे हैं, कोलाइडों के अनुप्रयोग। तो पहली पॉइंट है जल के शोधन में, नंबर दूसरी पॉइंट है रक्त स्कंदन में, नंबर तीसरी पॉइंट है धूम्र का विद्युतीय अवक्षेपण में। तो पहले समझते हैं जल के शोधन में। अरे भाई, अशुद्ध जल को साफ करना ही तो जल का शोधन है। ध्यान दीजिए, अशुद्ध जल में मिट्टी के कण होते हैं, अशुद्ध जल में मिट्टी के कण होते हैं, और जिस पर क्या होता है ऋण आवेश पाया जाता है। अरे भाई, ऋण 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 ऋण। अब ध्यान सुनिए, जब इसमें ऋण आवेश पाया जाएगा तो यह कोलाइडिंग विलयन कार्य करते हैं, जिससे विलयन का स्थायित्व बना रहता है। यदि किसी तरह से यदि हम ऋण आवेश को हटा दें तो ये जो धूल के कण हम पास पास आ जाते हैं और स्कंदित होकर के बर्तन के करीब बैठ जाते हैं और आपका मटमैला पानी या गंदला पानी करता है साफ हो जाता है। देखिए कैसी थी इसको, अशुद्ध जल में मिट्टी के कण होते हैं जिस पर ऋण आवेश पाया जाता है। जब इसमें हम फिटकरी का विलयन डालते हैं, अरे भाई फिटकरी माने क्या, K2SO4 Al2SO4 का होल प्राइस 24H2O। जब इसमें हम अशुद्ध जल में मिट्टी कण होते हैं जिस पर ऋण आवेश पाया जाता है, जब इसमें फिटकरी का विलयन डालते हैं तो फिटकरी से उत्पन्न पोटेशियम आयन और एल्यूमिनियम आयन मिट्टी कणों को उदासीन कर देता है, इससे स्कंदन क्रिया होती है और मिट्टी कण अवक्षेपित होकर के बर्तन के तली पर बैठ जाते हैं, जिससे आपका अशुद्ध जल करता है साफ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो आइए समझते हैं, ठीक इसी प्रकार आपका रक्त स्कंदन है, तो जितने भी आप लेकर पॉइंट ले आए सब स्कंदन से ही संबंधित है। तो रक्त स्कंदन कभी कभी सेविंग करते समय, सेविंग जब दाढ़ी बनाते हैं तो कभी कभी ब्लडिंग होने लगता है, ब्लेड से कट जाता है, तो वहां पर रक्त स्राव को रोकने के लिए भी हम वहां पर जो है स्कंदन क्रिया कराते हैं। देखिए जो रक्त होता है, रक्त में जो एल्बुमिन होता है, एल्बुमिन रक्त में एल्बुमिन जो होता है यह ऋण आवेशित कण है, जबकि हीमोग्लोबिन क्या है आपका, यह धनावेशित कण है। तो रक्त में एल्बुमिन और हीमोग्लोबिन पाया जाता है, रक्त एल्बुमिन पर ऋण आवेश पाया जाता है, जबकि हीमोग्लोबिन पर क्या होता है धनावेश पाया जाता है। जिस स्थान से रक्त स्राव होता है वहां पर फिटकरी का विलयन अरे भाई वही, या फिर फेरिक क्लोराइड का विलयन, FeCl3 का विलयन डालने पर उत्पन्न कौन सा आयन, पोटेशियम आयन, एल्युमिनियम आयन और या फिर फेरिक आयन क्या करते हैं, यह जो है ऋण आवेशित कण को क्या करता है उदासीन कर देता है, जिसके कारण वहां पर स्कंदन क्रिया होती है और रक्त स्राव करता है, रुक जाता है। इसी प्रकार क्लोराइड आयन क्या करेगा, धनावेश को उदासीन करेगा, सल्फेट आयन क्या करेगा, माने विपरीत आवेश वाले को ही उदासीन करता है। तो फिर साथ सुनिए कि रक्त में एल्बुमिन और हीमोग्लोबिन पाया जाता है, एल्बुमिन पर ऋण आवेश हो जाता है जबकि हीमोग्लोबिन पर धनावेश हो जाता है। जिस स्थान से रक्त स्राव होता है, वहां पर फिटकरी का विलयन या फेरिक क्लोराइड का विलयन डालने पर स्कंदन क्रिया होती है, जिससे रक्त स्राव रुक जाता है। अब नंबर 3 पॉइंट है धूम्र का विद्युतीय अवक्षेपण। आप जानते हैं जहां पर ईंट का भट्टा होता है वहां धुआं निकलता है और धुआं क्या होते हैं, कार्बनिक कण होते हैं। अगर वो कार्बनिक कण जो है हम लोगों के श्वसन क्रिया में जाए तो श्वसन नली खराब हो सकता है और फेफड़ा भी खराब होता है। इसलिए जहां जहां पर फैक्ट्री है, अरे भाई फिरोजाबाद में चूड़ी की फैक्ट्री है, वहां से धुआं निकलता है, तो जहां जहां से धुआं निकलता है वो गवर्नमेंट का प्लान है आप धुआं को साफ करके बाहर निकाले वातावरण में। तो इसके लिए काम करते हैं धुआं को, ध्यान दीजिए धुआं में कार्बन के कण उपस्थित होते हैं, धुआं में कार्बन के कण होते हैं जिस पर ऋण आवेश आ जाता है। वही प्रदेश में भी धुआं में कार्बन के कण होते हैं
जब धुआं को विपरीत इलेक्ट्रोड वाले कक्ष से प्रवाहित करते हैं, जब धुआं को, अरे भाई यहाँ एनोड है, यहाँ कैथोड है, लगभग हमने कुछ वोल्ट 30,000 का वोल्ट लगा दिया, तो ये जो गोला है ये धनावेश हो गया, और इसे क्या कहते हैं, कार्टेट कहते हैं, कार्टेट कहते हैं, इसी को अवक्षेपक कहते हैं। ये जो धनावेश गोला है ये क्या काम करेगा, कार्बन के कण को खींच लेगा, और जितने भी कार्बन के कण है यहाँ जाकर इकट्ठा उदासीन हो जाएंगे और फिर राख के रूप में नीचे बैठ जाएंगे, और इस प्रकार जो है उधर बिना कार्बन वाला जो है गैसें बाहर निकल जाएंगी, और जितने भी राख थे जो कार्बन कण थे वो क्या हो गए, यहाँ आपके फर्श पर गिर गया। तो फिर से धुआं में कार्बन के कण उपस्थित होते हैं जिस पर ऋण आवेश आ जाता है। जब धुआं को विपरीत इलेक्ट्रोड वाले कक्ष से प्रवाहित करते हैं या भेजते हैं, तो धुआं के कण धन इलेक्ट्रोड से मिलकर के उदासीन होकर के अवक्षेपित हो जाते हैं, अवक्षेपित होकर के वही राख के रूप में क्या होते हैं, फर्श पर गिर जाते हैं, जिससे धुआं का तार साफ हो जाता है और कार्बन रहित मुक्त गैस करती है चिमनी से बाहर निकल जाती है। आइए लिखवाते हैं, कॉपी कंप्लीट करते हैं। तो पहला पॉइंट है, तो कोलाइडिंग के अनुप्रयोग, ये पहला पॉइंट है आपका, नंबर एक पॉइंट है जल के शोधन में, माने मटमैला पानी को साफ करने में, गंदला पानी को साफ करने में, जल के शुद्धिकरण में। तो क्या है, देखिए अशुद्ध जल में मिट्टी के कण होते हैं जिस पर ऋण आवेश पाया जाता है, जब इसमें फिटकरी का विलयन डालते हैं तो उत्पन्न, अरे भाई फिटकरी कौन सा आयन, उत्पन्न पोटेशियम आयन और एयर ट्रिपल पॉजिटिव एल्यूमिनियम आयन के पॉजिटिव और एयर ट्रिपल पॉजिटिव पोटेशियम आयन और एल्यूमिनियम आयन मिट्टी के कण को स्कंदित कर देते हैं, जिससे अवक्षेप नीचे बैठ जाता है और जल साफ हो जाता है। अब रक्त का स्कंदन माने रक्त का जमना। तो रक्त में, नंबर दो पॉइंट में, रक्त में एल्बुमिन और हीमोग्लोबिन पाया जाता है। एल्बुमिन ऋण आवेशित कोलाइड है और हीमोग्लोबिन धन आवेशित कोलाइड है। जिस स्थान पर रक्त स्राव होता है वहां पर फिटकरी का विलयन या फेरिक क्लोराइड का विलयन डालने पर उत्पन्न पोटेशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन या फेरिक आयन या फेरिक ट्रिपल पॉजिटिव रक्त के कणों को स्कंदित कर देते हैं, जिससे रक्त स्राव रुक जाता है, माने स्कंदन माने अवक्षेपण हो गया और जो है रक्त क्या हो गया, रक्त का बहना रुक गया। नंबर तीन पॉइंट है धूम्र का विद्युतीय अवक्षेपण, माने धुआं को साफ करना, अरे भाई धुआं को साफ करना, देखिए यहाँ पर एक पात्र बना है और उसमें जो है यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोड, ये ऋण इलेक्ट्रोड है, ये क्या है, धन इलेक्ट्रोड है, ये जो गोला जैसा है धातु का गोला, इसे काटरे करते हैं, उसमें दोनों इलेक्ट्रोड के बीच लगभग 30,000 वोल्ट का उच्च विभव है, तो यहाँ से धुआं जा रहा है, अशुद्ध धुआं जा रहा है, और इधर से जो है कार्बन रहित मुक्त गैस निकल रहा है, और जो अवक्षेपित राख है कार्बन का अवक्षेपित राख जो है नीचे बैठ गया। तो धुआं में कार्बन के कण होते हैं जिस पर ऋण आवेश पाया जाता है। जब धुआं को विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड कक्ष से गुजारते हैं तो कार्बन के कण धन इलेक्ट्रोड से मिलकर, धन इलेक्ट्रोड कार्बन की जो इसमें कार्बन है कार्बन
कर धन एक कोर से मिलकर उदासीन हो जाते हैं और अवक्षेपित होकर राख के रूप में फर्श पर गिर जाते हैं, जिससे धुआं साफ हो जाता है। तो आइए अगली पॉइंट समझते हैं, डेल्टा का निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिए, ध्यान दीजिए। जहां पर नदियां समुद्र से मिलती हैं वहीं डेल्टा बनता है। तो नदी के जल में क्या होता है, आप जानते हैं नदी जल में मिट्टी कण होते हैं, और आपको पता है मिट्टी के कण पर ऋण आवेश होता है, तो मिट्टी के कण पर क्या होता है, ऋण आवेश पाया जाता है। देखिए इधर से हम नदी बहाए हैं, ये नदी बह रहा है, और इधर जो ऐसी स्थान है वो क्या है, समुद्र है। तो समुद्र जल में विद्युत अवघट पदार्थ पाया जाता है, विद्युत अवघट पदार्थ पाया जाता है। विद्युत अवघट माने क्या, अरे नमक, नमक का शोधन हम जो है समुद्र के जल से किए थे ना, आपको पढ़ाए हैं जो है पिछले अध्याय में। तो समुद्र के जल में विद्युत अवघट पदार्थ होता है, क्या क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड होता है और पोटेशियम क्लोराइड होता है। जो सोडियम क्लोराइड है यह सोडियम आयन देता है और क्लोराइड आयन देता है, जबकि पोटेशियम क्लोराइड है पोटेशियम आयन देता है और क्लोराइड आयन देता है। तो ध्यान दीजिए, नदी के जल में मिट्टी के कण होते हैं जिस पर ऋण आवेश पाया जाता है, जबकि समुद्र के जल में विद्युत अवघट पदार्थ पाए जाते हैं जिसमें सोडियम आयन और पोटेशियम आयन पाया जाता है। जिस स्थान पर नदियां समुद्र के जल से मिलती हैं, देखिए यही मिल रहा है, जिस स्थान पर नदियां समुद्र के जल से मिलती हैं वहां पर सोडियम आयन और अरे भाई विद्युत अवघट पदार्थ से उत्पन्न सोडियम आयन और पोटेशियम आयन ऋण आवेशित मिट्टी के कणों को उदासीन कर देता है। जब उदासीन कर देता है तो वहां पर अवक्षेपण क्रिया या स्कंदन क्रिया होती है, जिससे जो है जो ऋण आवेशित कण जो दूर दूर होते हैं वो पास पास आ जाते हैं और कुंजित हो जाते हैं, और जब कुंजित हो जाते हैं तो वहीं पर क्या होता है, मिट्टी जम जाता है और वहीं पर डेल्टा का निर्माण होता है। आइए लिखवाते हैं, आइए फिर काफी कंप्लीट करते हैं। डेल्टा का निर्माण, देखिए यहां पे हम समुद्र बनाएंगे, समुद्र बह रहा है और समुद्र में क्या होते हैं, समुद्र के जल में विद्युत अवघट NaCl और सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड पाया जाता है। और यहां पर जो है ये इधर से नदी बह रही है, अरे भाई गंगा नदी जाकर के कलकत्ता मिल गया ना, उसका यहां पर देखिए ये त्रिभुजा का डेल्टा का निर्माण हो गया। यहां पर जो मिट्टी कण जम गए, नदी के जल में मिट्टी के कण होता है जिस पर क्या होता है, ऋण आवेश पाया जाता है। तो नदी के जल में मिट्टी के कण होते हैं जिस पर ऋण आवेश पाया जाता है, और समुद्र के जल में विद्युत अपघट पदार्थ, अरे विद्युत अपघट पदार्थ जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड पाए जाते हैं जिस स्थान पर नदियां समुद्र में मिलती हैं। देखिए यहां में इधर नदी जा रहा है, समुद्र बह रहा है, मिलती हैं, अरे भाई यही मिल रहा है ना, जिस स्थान पर नदियां समुद्र में मिलती हैं वहां पर सोडियम आयन Na पॉजिटिव आयन, अरे Na पॉजिटिव नमक से आया, Na से आया सोडियम क्लोराइड से आया है, और पोटेशियम आयन के पॉजिटिव आयन, अरे KCl से आया। जिस स्थान पर नदियां समुद्र में मिलती हैं वहां पर सोडियम आयन और पोटेशियम आयन मिट्टी के कणों को उदासीन कर देता है, सोडियम आयन और पोटेशियम मिट्टी कणों को उदासीन कर देता है, जिससे स्कंदन क्रिया होती है और वहीं पर मिट्टी के कण जमा हो जाते हैं जिससे डेल्टा का निर्माण हो जाता है। तो ठीक है बेस्ट ऑफ लक, कल मिलेंगे, बाय।